भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सोमवार को वनटांगिया गांव वालों के साथ संवाद स्थापित किया। इस मौके पर वनटांगिया के खाले टोला में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, प्रदेश प्रभारी राधामोहन सिंह, सांसद रवि किशन, विधायक विपिन सिंह सहित अन्य पदाधिकारी और वनटांगिया समाज के लोग मौजूद रहे। इस मौके पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का वनटांगिया टोले के मुखिया द्वारा स्वागत किया गया। संवाद कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, 1947 में देश को आजादी मिली थी, लेकिन वनटांगिया जैसे वंचित को असली आजादी मोदी सरकार के आने के बाद मिली। वनटांगिया समुदाय के लिए अपने संघर्ष को याद करते हुए उन्होंने कहा कि 18 साल पहले जंगल तिकोरिया नंबर 3 में स्कूल खोलने पर सांसद रहते हुए मेरे खिलाफ मुकदमा हुआ था। लोगों के पास न मकान थे और न ही पानी, बिजली, सड़क, स्कूल की सुविधा थी। यहाँ के लोग 2017 से पहले प्रधान नहीं चुन सकते थे, लेकिन आज वनटांगिया लोगों को मकान, बिजली, पानी के साथ सभी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। स्वास्थ्य और स्कूल की सुविधा भी मिल रही है। आजादी का असल मतलब यही है, गरीब का कल्याण भाषणों से नहीं, जमीन पर दिखना चाहिए। वन विभाग और पुलिस द्वारा उत्पीड़न किया जाता था, आज बुढ़िया माई के स्थान का सुंदरीकरण हुआ है। सीएम ने कहा, जिस समुदाय को उपेक्षित छोड़ दिया गया था, आज वहां से राम गणेश वनटांगिया पहली बार आजादी के जश्न में दिल्ली गए थे। कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष ने लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए संवाद भी किया, जिस पर गांव की महिलाओं ने कहा कि बाबा जी और मोदी सरकार के कमल चरणों में प्रणाम करती हूं। कितना लोग आए और गए, वनटांगिया का कोई सुनवाई नहीं हुआ। 5वां पुस्त चल रहा है, लेकिन जब से बाबा आए और जौन कहें उस सब मिल गया, सबका प्रॉब्लम दूर हो गया, सब सामान लौक रहा है। पहले कोई घर द्वार नहीं था, आज बाबा के चलते सब सुख सुविधा हो गया है, अब कौनो चीज की कमी नहीं खे। उसके बाद अपने संबोधन में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि सही पार्टी और सही नेता मिले तो विकास की ऐसी ही तस्वीर दिखती है जो इस वनटांगिया गाँव में दिख रही है। जेपी नड्डा ने कहा कि यहाँ मुझे तस्वीर दिखी कि सही पार्टी और सही नेता मिले तो विकास की कहानी मिलती है, गलत लोग आ जाएं तो विनाश होता है। मैं वन मंत्री रहा हूं, पौधा लगाना पूरे का काम है, पौधे लगाने वालों का भाग्य बदलता रहा, जंगल लगाना ईश्वरीय काम है। उन्होंने कहा कि योगी जी के चलते वनटांगिया का विकास सही रास्ते पर आया है। आखिर कांग्रेस को किसने रोका था विकास के लिए? 2008 में योगी जी ने पहली बार जमीन पर अस्थाई कब्जा दिलाया, मुख्यमंत्री बनने के बाद सारे अधिकार दे दिए। 2017 में जमीन का मालिकाना हक मिला। उन्होंने कहा कि सही बटन दब जाए तो परिवर्तन होगा, गलत पर गोली चल जाए। नड्डा ने कहा कि यहाँ लोग योगी जी को टॉफी और मिठाई वाले बाबा से जानते हैं, दिवाली में उनका यहाँ आना पूरे है। आज यहाँ पक्के मकान देख रहा हूँ, स्कूल देख रहा हूँ, वास्तव में यह सब योगी जी के कारण संभव हुआ है, योगी बाबा से सब होता है। उन्होंने कहा कि सही बटन दबाकर योगी जी को नेतृत्व करने का अवसर दें, जिससे सभी का दुख दूर हो सके। रुकती है इंडिवर डस्टर, तुम लोग नाश्ता पानी करो। 1370 रुपए संगा दिया दूर के घर में, भूखा ना रहूं, संत ना भूखा होता है। सिपाही भैया, क्योंकि हम ट्रेन से गए थे, पिछली बोगी में तो मनई उतर के लगन था गए हम। बेकार है के जी, ये आप लोग भी आम नागरिक की तरह हो, आप लोग भी भारत में रहते हो। जैसे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं कि ये पार्टी गरीबों की पार्टी, गरीबों के बारे में पहली बार सोचा जाता है, सबसे प्रथम यही सोच है भारतीय जनता पार्टी की, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की और पूज्य योगी महाराज जी की। आज वनटांगिया के सौभाग्य बांटे की माटी पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अवतारण, स्वतंत्र देव भाई साहब प्रदेश अध्यक्ष अवतारण, क्षेत्रीय अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह जी रही हैं, और आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आप लोगों से बात करी है। जेपी नड्डा पूज्य महाराज जी, जेपी नड्डा पूज्य महाराज जी, जिंदाबाद।
राजगुरुवंश आज भाइयों बहनों उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री परम पूज्य महाराज जी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। संगठन महामंत्री आदरणीय सुनील बंसल जी का हार्दिक अभिनंदन एवं कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। कार्यक्रम बलराम राजभर जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के स्वागत अभिनंदन में आमंत्रित। अब यहाँ पांचों बंटानिया के मुखिया श्री रामदयाल निषाद जी, देवीलाल निषाद जी, रामनयन निषाद जी, राम मौर्या जी, रामदयाल निषाद जी करने के लिए आमंत्रित करता हूँ। ऐसे घूम जाइए बंदना सिंह जी, ऐसे ऐसे ऐसे, अरे इधर आइए। विजय सिंह मुन्ना और विजय सिंह गुड्डू जी को पूज्य महाराज जी का माई की बंटांगिया गांव से जुड़े थे। पांचों बस्तियों से जुड़े हुए सभी यहाँ पर उपस्थित, यहाँ के आया नहीं है सभी भाइयों बहन बहनों, आज हम सबका यह सौभाग्य है कि दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री जयप्रकाश नड्डा जी, जगत प्रकाश नड्डा जी, आपकी इस बस्ती में आपसे संवाद करने के लिए यहाँ पर आए हैं। भाइयों बहनों, आप सबने 1947 में देश की आजादी को आप में से बहुत सारे लोगों ने देखा होगा, लेकिन वास्तविक आजादी आपके जीवन में अगर कोई लेके आया तो भारतीय जनता पार्टी लेकर के आई, जब प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर बनी। और इसीलिए जब जिस पार्टी के कारण आपके जीवन में एक नई आजादी का प्रकाश खिला है, उस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आज यहां पर आगमन हुआ है, मैं आप सब की ओर से, प्रदेश की जनता की ओर से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी का मुझे आज से लगभग 17-18 साल पहले तब वन विभाग ने मेरे खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर दिया था। आप सोचिए, मैं सांसद था तब भी मुझ पर मुकदमा दर्ज हुआ था, केवल इसलिए क्योंकि आप जैसे गरीबों के लिए मैंने एक स्कूल वहां प्रारंभ किया था। आप सबके जो यहाँ के बच्चे हैं, इन बच्चों के पर जब एक बार यहाँ पर आरपीएसएफ के वहां पर मारपीट हुई थी तो हम लोगों ने जब बचाव किया था उस समय भी कितना बड़ा बवाल हुआ था, लेकिन आज हमें प्रसन्नता होती है। मैं भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को यही बता रहा था कि 2017 के पहले इन लोगों को अपना प्रधान भी चुनने का अधिकार नहीं था, 2017 के पहले इनको किसी योजना का लाभ नहीं मिलता था, न बिजली, न पानी, न स्कूल, न स्वास्थ्य, न राशन, न किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं। ये जितने मकान है सब कच्चे मकान थे, कच्चे मकान में भी फूस की झोपड़ी, फूस की सब कुछ था। और 17 के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रेरणा से आज यहां पर हर परिवार के पास अपना पक्का मकान है, बिजली है, हर एक को राशन मिल रहा है, हर एक को जमीन का पट्टा मिल गया है, हर एक के जीवन में शासन की सभी योजनाओं का, किसी को निराश्रित महिला पेंशन, किसी को वृद्धावस्था पेंशन, किसी को दिव्यांगजन पेंशन, जमीन का पट्टा है तो किसान सम्मान निधि का लाभ, राशन की सुविधा का लाभ, मकान का लाभ, शौचालय का लाभ, हर प्रकार की सुविधा, पानी है, सब कुछ उनको प्राप्त हो रहा है, स्वास्थ्य की सुविधा, स्कूल की सुविधा, ये सब कुछ उपलब्ध यहाँ पर होने लग गई है। और ये आजादी का सही मायने यही है। देश के अंदर मोदी जी ने
योजनाओं का लाभ सही मायने में उन गरीबों को पहुंचाया। और यही सब देखने के लिए तो भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व यही देखता है कि वास्तव में सरकारें कुछ कर भी रही हैं, गरीब का कितना कल्याण हो पा रहा है। और गरीब का कल्याण भाषणों से नहीं, इस जमीनी हकीकत से देखने को मिलता है, जब आपके पक्के मकान अब दिखाई दे रहे हैं जो 2017 के पहले नहीं थे। और माननीय अध्यक्ष जी, यहां पर पहले तो कुछ पक्का था ही नहीं, उल्टा हर महीने वन विभाग और पुलिस के द्वारा इनको प्रताड़ित भी किया जाता था। इनके बगल में बस्ती, यहां पर एक वन्य देवी है, बुढ़िया माई का स्थान, वहां जाने का रास्ता भी नहीं था। जंगल के बीच में लोग भटकते थे, परेशानी होती थी, बिजली नहीं थी, कोई सुविधा नहीं थी। आज बुढ़िया माई के स्थान का भी सुंदरीकरण हो गया है, वहां जाने का रास्ता भी अच्छा बन गया है, बिजली है, पानी है, सारी सुविधा वहां पर भी प्राप्त हो गई है। बड़ी संख्या में गोरखपुर से आसपास से बड़ी संख्या में लोग आते हैं, नवरात्रि में बहुत भीड़ लगती है, लेकिन सुविधा नहीं थी। ये सरकार जब जनता के हित में काम करती है तो प्रधानमंत्री मोदी जी का वह मंत्र सबका साथ सबका विकास सार्थक होता है, और वह सार्थक हर एक स्तर पर देखने को मिलता है। सभी लोगों को बिना भेदभाव के योजनाओं का लाभ, और आज आप यहां पर इस बनटांगिया बस्ती में आए हैं, मैं आपका इस अवसर पर हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और आपको इस संवाद के लिए, जो आपने अपना इतनी व्यस्तता के बावजूद पूरे देश के अंदर आपके कार्यक्रम होते हैं और उस सभी कार्यक्रमों में से समय निकाल करके, और आपने चुना है गोरखपुर की इस बनटांगिया बस्ती को। अब तक प्रदेश में 54 ऐसी बस्तियों को हम लोगों ने राजस्व गांव के रूप में मान्यता दिलवा करके शासन की सुविधाओं के साथ जोड़ा है। और इस बार तो प्रधानमंत्री जी का लाल किले से संबोधन जो हुआ था, उस समय उस संबोधन में बनटांगिया का भी प्रतिनिधित्व वहां हुआ था। बनटांगिया गांव के राम गणेश दौड़ गए थे वहां पर, वहां भी उस सम्मेलन में वहां पर उपस्थित रहे थे, वहां गए थे प्रधानमंत्री जी को, और लाल किले को पहली बार उनको देखने का अवसर प्राप्त हुआ होगा। आज के इस अवसर पर जब आपको सभी सुविधाएं मिल रही हैं और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री जेपी नड्डा जी आपके बीच में यहाँ पर आए हैं, मैं उनका हृदय से स्वागत करता हूँ। आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करता हूँ। आप सभी लोग इसी प्रकार से खुशहाल रहे, इस विश्वास के साथ आप सबके प्रति अपनी शुभकामना व्यक्त करते हुए मंच पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष माननीय श्री स्वतंत्र देव सिंह जी हैं, प्रदेश के प्रभारी माननीय श्री राधा मोहन सिंह जी हैं, संगठन के महामंत्री भारतीय जनता पार्टी के हमारे श्री सुनील वंसल जी हैं, क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी हैं। और आपने फिल्म देखी होगी, रवि किशन की फिल्म देखी कभी? देखी है। उन्होंने फ्री में दिखाया है कि नहीं दिखाया है? फ्री में भी वो फिल्म दिखाएंगे यहाँ पर एक दिन, हाँ करेंगे यहाँ पर लोगों को। तो रवि किशन जी हमारे सांसद जी हैं, ग्रामीण विधायक हैं विपिन सिंह जी, यहाँ पर प्रदीप शुक्ला जी इस क्षेत्र के जो महामंत्री हैं वह हैं, और ब्लॉक प्रमुख हैं श्रीमती वंदना सिंह जी, ब्लॉक प्रमुख के प्रतिनिधि और पूर्व प्रधान रणविजय सिंह जी मुन्ना, ये सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं इन सब का भी स्वागत करता हूँ। आप सबके के प्रति अपनी शुभकामना व्यक्त करते हुए अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को यहाँ इस संवाद कार्यक्रम में सादर आमंत्रित भी करता हूँ कि वे उनका यहाँ पर बनटांगिया से जुड़े हुए, जो हमारे उनके बनटांगिया गाँव से बस्ती से जुड़े हुए जितने भी यहाँ के प्रधान हैं मुखिया हैं, उनके साथ आपका संवाद हो और आपका मार्गदर्शन इनको आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि जीवन का एक लंबा अनुभव शासन का, प्रशासन का, संगठन का आपके पास है। और कोरोना कालखंड में आपने भारतीय जनता पार्टी को इस जनता जनार्दन की सेवा के लिए जिस भाव के साथ लगाया वो अत्यंत अभिनंदनीय रहा, उसकी सर्वत्र सराहना हुई। आज गोरखपुर में एम्स मिला है तो उस समय देश के स्वास्थ्य मंत्री आप ही थे, आपने गोरखपुर में एम्स दिया।
आप जब स्वास्थ्य मंत्री थे तो आपने बीआरडी मेडिकल कॉलेज में जो सुपर स्पेशलिटी का ब्लॉक बना है, आप सोचिए 180 करोड़ रुपए उस समय उसके लिए दिए थे, जिसमें कोरोना का फ्री में उपचार गोरखपुर और पूर्वी उत्तर प्रदेश वासियों को फ्री में उपचार हो रहा था, वह आप ही की देन थी जब आप स्वास्थ्य मंत्री थे। जांच का जो सेंटर है गोरखपुर में, रीजनल सेंटर अगर बन रहा है तो वह भी वायरोलॉजी का रीजनल सेंटर भी, उसका शिलान्यास भी आपने स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए गोरखपुर में किया था। इसलिए मैं विशेष तौर पर गोरखपुर वासियों की ओर से आपका आभार व्यक्त करते हुए आपका हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। भारत माता की, भारत माता की जय। जय श्री राम। बुढ़िया माई की प्रणाम करती हूँ। मोदी सरकार के कमल चरणों में प्रणाम करती हूँ। उन्हीं के साथ साथ ब्लॉक प्रमुख, प्रधान, पांचों बनटांगिया के मुखिया, पंच, प्रधान, यहाँ जो भी छोटे बड़े आए हैं, सभी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। बनटांगिया के कोई सुनवाई नहीं हुआ, पचवा पुश्त चल रहा है, आए लोग तसल्ली दे के चले गए, बच्चों के स्कूल में एडमिशन नहीं हुआ, जब भी स्कूल में लोग जाते थे कहाँ के रहने वाले हो बनटांगिया के, चले जाइए यहाँ कोई सुनवाई नहीं होगा, कह के तो लोग गए लेकिन कहे गए नहीं, बाबा जो भी कहें वो कहें, आज तक बाबा जो बात कहें सब नजर में लौक रहा है और सभी के दिमाग में गूंज रहा है, जो भी बाबा कहें वो का कर गए, आ कितने लोग आए कह के चले गए लेकिन कुछ नहीं करें, आ बाबा के सामने जो भी आया बात वो भी प्रॉब्लम सबकी दूर हो गई, सब सामान उपलब्ध लौट रहा है, आज जितनी भी अभी परेशानी है सभी के नजरों में अभी आने वाली है, बाबा के चरणों में, कमल चरणों में मेरे तरफ से प्रणाम हो, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब सुविधा किए अपने, हमारे लिए बहुत अच्छा किए, हमारे बच्चों के लिए किए, हमारा लोग पांच में कोई घर द्वार नहीं बनाए, बाकी बाबा के चलते सब कर घर द्वार बन गए, बाथरूम लैटरूम बन गई, बेडरूम प्रणाम करते हैं, हमारे प्रणाम के स्वीकार करिए। अब कुछ मन के अकाल है, बस अब कुछ हो गई चीज के कमी नहीं, महाराज जी के कार्य मन के आशीर्वाद चाहिए, महाराज जी हमेशा अमन के ताकत करी नजर उठा के तना मन के कमी गाय, सब कुछ हो गई बा मन के। में उपस्थित सम्माननीय हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी और ऊर्जावान मुख्यमंत्री सम्माननीय योगी आदित्यनाथ जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, राधा मोहन सिंह जी हमारे प्रदेश प्रभारी, सुनील बंसल जी हमारे प्रदेश के संगठन मंत्री, रवि किशन जी यहाँ के लोकप्रिय सांसद और मेरे साथी संसद में, धर्मेंद्र सिंह जी क्षेत्रीय अध्यक्ष, बलराम राजभर जी हमारे बूथ के अध्यक्ष, श्रीमती वंदना सिंह जी ब्लॉक प्रमुख, हमारे विपिन सिंह जी विधायक और हमारे सभी मंच पर उपस्थित सांसदगण, विधायकगण और बनटांगिया के सज्जन वृंद, आताएं बहने, बनटांगिया समाज से जुड़े हुए सभी वरिष्ठ यहाँ के सज्जन, माताएं बहने, बुजुर्ग और मेरे मीडिया के साथी, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथी, आज मुझे इस संवाद कार्यक्रम में आने का सौभाग्य मिला और मुझे एक तस्वीर सामने दिखी कि किस तरीके से सही नेता, सही पार्टी और सही नेतृत्व करने वाले मिल जाए तो क्या से क्या हो जाता है और विकास की एक नई कहानी लिखी जाती है, और गलत लोग आ जाए तो विकास से कैसे विनाश हो जाता है वह भी हमको देखने को मिला।
मित्रों, मैं लंबे समय तक वन मंत्री भी रहा हूं और मेरा मानना है कि पौधारोपण, जंगल बसाना, पेड़ों को लगाना ये बहुत बड़ा धर्मार्थ का काम है, बहुत बड़ा धर्मार्थ का। और मैंने इस बात को गहराई से देखा है कि जिन लोगों ने जंगल लगाए और प्रकृति की पूजा की उनकी तकदीर हमेशा बदलती गई और वो हमेशा विकास की ओर बढ़ते गए। और जिन लोगों ने जंगल काटने का काम किया उनको उनका विकास व्यक्तिगत रूप में और सामाजिक रूप में भी संभव नहीं हुआ। इसलिए मैं कई बार कहता हूं कि जंगल लगाना, पेड़ पौधा लगाना ये ईश्वर का काम है और इससे बहुत बरकत मिलती है। और आपने तो साल और साकू के पेड़ लगाए जिसको लगने में भी काफी समय लगता है और जब लग जाए तो वो समाज के लिए और देश के लिए और प्रदेश के लिए कितना काम आता है ये हम सब लोग जानते हैं। तो आपने एक सामाजिक काम किया। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, सरकारों का फर्क देख लीजिए। एक तरफ जब आपने जंगल लगा दिए और जंगल फल फूल गए तो उस समय की कांग्रेस सरकार ने आपको निकालने का काम शुरू किया। मैं सही बोल रहा हूं क्या? गलत तो नहीं बोल रहा हूं? दो लोग उस आंदोलन में मारे भी गए, 28 लोगों को गोलियों से उस समय वह शिकार भी हुए और जख्मी भी हुए। मैं सच बोल रहा हूं? ये जब आप एक समय में महाराजगंज पैदल आंदोलन के रूप में धरना देने के लिए जा रहे थे तब आपको उस समय योगी जी ने आपकी खैर ली, आपके बारे में खबर ली, चिंता व्यक्त की, मदद की और तब से आपकी कहानी सही दिशा में चल पड़ी। इस बात को हमको ध्यान रखना। मैं फिर भाषण देने के लिए नहीं दे रहा हूं, मैं कोई कहने के लिए नहीं कह रहा हूं। किसने रोका था कांग्रेस की सरकार को कि वह आपको बसाने के बजाय उखाड़ने पर लग गए? क्या कारण था कि आप फूस की झोपड़ी के सिवाय आप पक्का मकान नहीं बना सकते थे? और तो और छोड़ो, फूस की झोपड़ी में दीवार भी मिट्टी की नहीं बना सकते थे, वह भी फूस की बनानी पड़ती थी। मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूं? आपको 2008 में सांसद के नाते योगी जी ने पहली बार जमीन का उस समय टेम्पररी कब्जा दिलाया, बाद में आपको रेवेन्यू का विलेज के रूप में आपको स्थान दिलाया और शासन की सारी सुविधाएं आपको जब योगी जी मुख्यमंत्री बने तो जाकर के मिला है। इस बात को समझना है। तो सही नेता मिल जाए, सही पार्टी मिल जाए और इलेक्शन के दिन मशीन पर सही बटन दब जाए तो परिवर्तन आ जाता है। इस बात को हमको समझना चाहिए। आप गलत बटन दब जाए तो गोली चल जाए और सही बटन दब जाए तो मकान बन जाए। इसको समझना चाहिए। स्वास्थ्य का संस्थान बन जाए, इस बात को समझना चाहिए। स्कूल बन जाए, इस बात को समझना चाहिए। मास्टर आने लगे और आपके बच्चों को पढ़ाई की व्यवस्था करा दे, डॉक्टर आने लगे और आपके स्वास्थ्य की चिंता हो जाए और बच्चों को हर तरीके का टीकाकरण हो जाए, जच्चा बच्चा की पूरी चिंता हो जाए, अगर सही नेता योगी बाबा की तरह आ जाए तो ये हो जाता है। बात को इसलिए
बूढ़ी माँ के सामने जाकर के आप प्रार्थना कीजिए कि लंबे समय तक बीजेपी की सरकार रहे, आपकी सेवा में जुटे रहे और बूढ़ी माँ के आशीर्वाद से बाबा आपकी सेवा करते रहे। और मुझे बताया गया कि बच्चे टॉफी वाले बाबा के नाम से जानते हैं, मिठाई वाले बाबा के नाम से जानते हैं, तो दीपावली के दिन आपका आना शुभ लक्षण है और शुभ लक्षण के साथ साथ विकास की एक नई कहानी भी कहता है। इसलिए अभी संवाद हुआ तो संवाद तो एक तरफा था, सबने बाबा से धन्यवाद दिया। यह बताता है कि जिन लोगों को आम आदमी के प्रति समर्पण होता है तो समाज का नेतृत्व और समाज कैसे बदल जाता है। आज मैं आया हूं तो मैं पक्के मकान देख रहा हूं, आज मैं आया हूं तो यहां बिजली देख रहा हूं, आज मैं आया हूं तो पक्की सड़क देख रहा हूं, आज मैं आया हूं तो यहां पर स्कूल का प्रांगण देख रहा हूं। ये सब इसलिए संभव है क्योंकि आपकी चिंता करने वाली सरकार और योगी आदित्यनाथ जी जैसा नेता है। और सजग समाज वो होता है, जागृत समाज वो होता है जो अच्छे लोगों को आशीर्वाद दे और बुरे लोगों को घर बैठाने का आशीर्वाद दे। जो लोग काम नहीं कर रहे उनको घर बैठाओ, बोलो बाबा बहुत हो, बाबूजी बहुत हो गया सेवा आपकी, बाबा आप हमारी सेवा कर रहे हैं, पार्टी हमारी सेवा कर रही है, कोई चिंता की बात नहीं। इस बात को ध्यान में रख करके आप सब लोग जुटेंगे ऐसा मेरा विश्वास है। मैं योगी जी का और अध्यक्ष जी का धन्यवादी हूँ, रवि किशन जी का धन्यवादी हूँ जिन्होंने मुझे आपके दर्शन करने का मौका दिया और आजाद भारत में यह कहानी देखने का मौका मिला कि 1947 में आजादी मिली और आपको 2008 के बाद 2017 में जमीन का अधिकार मिला, यह भी हमको देखने का मौका मिला। तो ये जैसा योगी जी ने कहा कि आजादी तो आपको 2017 में मिली, इस आजादी को संभाल के रखना और आगे बढ़ना, यही मेरा निवेदन है। मैं बार बार आने की कोशिश करूंगा, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आभार ज्ञापन के लिए